यदि आप भी सर्वाइकल गर्दन दर्द, कंधे दर्द से परेशान हैं और आपके दोनों हाथों में नमनस है, सुन्नपन है या हाथ की उंगली में झंझनाहट होती है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही अच्छी है। यदि आप इस एक्सरसाइज का लगातार कुछ दिन अभ्यास करेंगे तो आपकी सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, चाहे वो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, शोल्डर पेन हो, नेक पेन हो, हाथों में सुन्नपन हो या हाथ की उंगली में झंझनाहट हो, या फिर आपका गर्दन और सर के एक हिस्से में दर्द बना रहता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत खास है। सबसे पहले आपने कैसे योगा चेयर लेना है और ब्लॉक के ऊपर बैठ जाना है, दोनों घुटने आपके मुड़े रहेंगे, कमर सीधा रहेगा। फिर आपने करना क्या है, एक ब्लॉक लेना है और वो कमर के ऊपरी हिस्से पे सपोर्ट देना है। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे झुकना है, आपने धीरे धीरे ले लिया, सपोर्ट दे दिया। फिर एक हाथ को ऐसे सर के नीचे रख के धीरे धीरे सर को नीचे कर देना है। फिर आपने एक एक करके दोनों हाथ ऊपर उठाना है और चेयर के ये वाले डंडे को पकड़ लेना है। अब आपके दोनों हाथों में बहुत अच्छे से खिंचाव आएगा, गर्दन के ऊपर खिंचाव आएगा, कंधों के ऊपर खिंचाव आएगा। जैसे जैसे खिंचाव बढ़ता जाएगा, ब्लड और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन भी आपके हाथों में बढ़ता जाएगा। सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना। फिर आपने करना क्या, धीरे धीरे से अपने सर को ऊपर उठाना है, सामने की ओर देखने का प्रयास करना है, हेड को आगे की तरफ प्रेस करना है। फिर धीरे से सर को वापस लेके आएंगे। कम से कम आपको ये अभ्यास लगातार 3 से 5 बार प्रत्येक दिन करना है। ओके, कम बैक, धीरे धीरे वापस आना है। अब आपको चेयर के ऊपर बैठ जाना है। ओके, सिट ऑन द चेयर। यस, ओके, सिट हियर। दोनों पैरों में गैप। फिर लंबा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका। अब इससे क्या होगा कि आपका एक तो कमर का निचला हिस्सा खींचेगा, जैसे हिप जॉइंट्स हो गया और कमर का निचला यानी लोअर बैक हो गई, आपकी पूरी पीठ में खिंचाव आएगा, कंधों में खिंचाव आएगा, गर्दन में खिंचाव आएगा। और जैसे हम आगे की ओर झुकेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन शरीर के ऊपरी हिस्से में बहुत अच्छे से होने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके हाथ बहुत सीधे हैं अभी, तो ऐसा ही आपको भी करना है। ठीक है, सांस को लेते रहना है, छोड़ते रहना है, सांस को रोकना नहीं है आपने। धीरे से वापस, ओके, कम बैक। अब ऐसे सीधे बैठना आपने। फिर करना क्या, अपनी गर्दन को पहले बाई या दाई तरफ ऐसे ट्विस्ट कर देना। आप स्वयं कर सकते हैं, बिना सपोर्ट के भी रोक के रखेंगे। फिर दूसरी तरफ कोशिश करनी है, पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहे, गर्दन आपका बिल्कुल ट्विस्ट जितना आप कर सकते हैं उतना करना है। फिर गर्दन बिल्कुल सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन दाहिनी तरफ झुका देनी है। गर्दन के बाएं हिस्से में खिंचाव को महसूस करना है, दबाव को महसूस करना है, तनाव को महसूस करना है। फिर बाई तरफ ऐसा आपने प्रत्येक दिन कम से कम 10 से 15 बार करना है। फिर वापस। अब आपने करना क्या है, अपने कंधों को पीछे की तरफ प्रेस करना है, हल्का सा।